एम जी, उसके बाद क्या है हमारा नाइट्रोजन, देन क्या है हाइड्रोजन, देन क्या है ऑक्सीजन। ठीक है, एम जी यहाँ पे कितना है थ्री, तो हमने लिख दिया थ्री। नाइट्रोजन कितना है टू, तो हमने लिख दिया टू। हाइड्रोजन कितना है टू, तो हमने लिखा टू। ऑक्सीजन कितना है वन, तो हमने लिखा वन। अब इधर भी एम जी, देन नाइट्रोजन, देन हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन। अब एम जी इधर कितना है वन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वन। नाइट्रोजन इधर कितना है वन, तो हम लिखेंगे वन। हाइड्रोजन इधर कितना है, देखिए इसमें दो है इसके अंदर, ठीक है, दो हाइड्रोजन यहाँ पे है, तीन हाइड्रोजन यहाँ पे, कितना हो जाएगा टू प्लस थ्री, टोटल हो जाएंगे हमारे फाइव हाइड्रोजन के एटम्स। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे टू। ओके, अब हमें इसे क्या करना है, वैलेंस करना है। एम जी यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे कितना है वन है, अगर हम इसके आगे लगाते हैं थ्री, ठीक है, तो यहाँ पे एम जी का मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री से, ये कितना हो जाएगा थ्री, तो एम जी तो हो जाएगा हमारा वैलेंस। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर थ्री लगाया, तो थ्री का मल्टीप्लाई सबके साथ होगा, तो ऑक्सीजन यहाँ से कितना है टू है, टू थ्री जा सिक्स। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है टू, यहाँ पे हमने थ्री लगाया, तो क्या हो जाएगा थ्री से मल्टीप्लाई, कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे थ्री। ओके, एंड हाइड्रोजन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा टू थ्री जा सिक्स, कितना हो जाएगा सिक्स प्लस ये हाइड्रोजन थ्री, टोटल कितना हो जाएगा नाइन। एंड नाइट्रोजन हमारा कितना है वन है, इधर नाइट्रोजन कितना है टू है, अगर हम इसके आगे लगाते हैं टू। ओके, अगर हमने इसके आगे टू लगाया, तो नाइट्रोजन का मल्टीप्लाई हो जाएगा टू से, नाइट्रोजन इधर कितना हो गया टू। अब हम हाइड्रोजन, अगर हमने यहाँ पे टू लगाया तो हाइड्रोजन भी बढ़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हो गया टू थ्री जा सिक्स, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया सिक्स, टोटल हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए यहाँ पे ट्वेल्व हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अच्छे से लिख लेते हैं कितने हाइड्रोजन के एटम्स, ट्वेल्व हो गए। यहाँ पे देखिए टू थ्री जा सिक्स, यहाँ पे थ्री टू जा सिक्स, टोटल कितने हो गए ट्वेल्व। अब इधर देखते हैं हम नाइट्रोजन टू, नाइट्रोजन टू क्या हो गया बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हमें बैलेंस क्या करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, इधर ऑक्सीजन है सिक्स, इधर ये कितना हाइड्रोजन ट्वेल्व, अगर हम इसके आगे लगा दें सिक्स, ठीक है, अगर हमने इसके आगे लगाया तो क्या हो जाएगा सिक्स से मल्टीप्लाई, टोटल हाइड्रोजन कितना हो जाएगा ट्वेल्व, एंड ये ऑक्सीजन कितना हो जाएगा सिक्स, वन मल्टीप्लाई सिक्स, तो कितना आ जाएगा सिक्स, तो ये भी हमारा क्या हो गया वैलेंस हो गया केमिकल इक्वेशन। तो क्या बनेगा एम जी थ्री एन टू सिक्स एच टू ओ, क्या देगा थ्री एम जी ओ एच का होल टू एच प्लस टू एन एच थ्री, तो ये केमिकल रिएक्शन क्या हो गया हमारा।